तो आज क्या है? छठ पूजा है। मजा आ रहा है तुम लोगों को? हाँ हाँ। दोस्तों अभी अपन जा रहे हैं बीच की तरफ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई एम रियली सॉरी, इट्स बीन अ लॉन्ग डे। मैंने आज बहुत दिनों के बाद में आज मैं ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम था गाइस। और आज का वेदर एकदम ही अच्छा है और मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ बाहर की तरफ। सो लेट्स गो। एक मिनट गाइस, जैसे कि मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने जब से हिंदी में ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है तब से मेरे दोस्त मुझे पूछ रहे हैं कि व्हाई यू आर डूइंग दिस इन हिंदी। तो गाइस, इसके पीछे का रीज़न ये है कि इफ़ मैं नेपाली में करता हूँ ना तो सिर्फ बहुत कम लोग उसको समझ पाते हैं। नेपाली में करने से क्या होता है कि हिंदी लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन इफ हिंदी में कर रहा हूँ तो एटलीस्ट नेपाली लोग को भी समझ में आता है ना गाइस। सो ये है इसके पीछे का रीज़न। सो गाइज, आप लोगों ने देखा आज का वेदर एकदम ही क्लियर है एंड बहुत ज़्यादा धूप लगा हुआ है अभी भी, और मैं इधर नीचे आ रखा हूँ एंड तो मैं आप लोगों को लेके जाने वाला हूँ रिवर की तरफ। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। गाइज, मेरे टी शर्ट को देख के आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितना तेज हवा चल रहा है और पूरा सेल्फी स्टिक ही वाइब्रेट कर रहा है दोस्तों। सो लेट्स गो, अपन लोग अभी चलते हैं नीचे। सो गाइस, फाइनली आई एम इन रिवर रॉन्गली और मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वेदर कितना मज़ेदार है एंड एकदम अभी धूप भी थोड़ा कम हो चुका है दोस्तों, और मैं अभी आप लोगों को रिवर का थोड़ा टाइम लैप्स करके दिखा रहा हूँ। सो प्लीज़ बी देयर, कहीं जाने का नहीं। आप लोगों ने देखा रिवर रॉन्गली, कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। और मैंने मेरे प्रीवियस ब्लॉग्स में भी रिवर रॉन्गली दिखाया था और फिर से एक बार मैं आप लोगों को रिवर की तरफ ही लेके जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे आज 27 मार्च को चैत महीने का जो छठ पर्व होता है ना, छठ पूजा का पालन हो रहा है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं और एक बार फिर से हम देख के आते हैं। गाइस, आप लोग देख सकते हैं बाहर का एकदम सुंदर नज़ारा और अभी शाम होने वाला है, क्या मस्त हवा चलते हुए। चलिए दोस्तों चलते हैं अपन रिवर की तरफ। और इधर है शिव हनुमान मंदिर जहाँ पे हम लोगों ने अभी रिसेंटली शिवरात्रि का भव्य पालन किया था दोस्तों। और एक बार अपन लोग आ चुके हैं रिवर रॉन्गली और मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं लेडीज़ लोग किस तरह से पूजा का पालन कर रहे हैं दोस्तों। एक्चुअल में ये पूजा होता है डूबते हुए सूरज का और सुबह उगते हुए सूरज का दोस्तों, और इसके विषय में मैं आप लोगों को विस्तार में बताऊंगा। सो आप लोग कुछ नज़ारा दिखा देता हूँ यहाँ का। तो आज क्या है? छठ पूजा है। मज़ा आ रहा है तुम लोगों को? हाँ। और कल सुबह भी आओगे? हाँ। कितने बजे आओगे? 6। और इंजॉय कर रहे हो? हाँ। ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा आंटी लोग कैसे पीसफुली अपना पूजा कर रहे हैं और अभी पूजा कुछ ही मिनटों में ख़त्म भी होने वाला है शायद, और कल सुबह भी होगा। और चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को ब्रिज से नीचे पूजा का नज़ारा दिखा देता हूं। दोस्तों अभी अपन जा रहे हैं ब्रिज की तरफ। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं ये ब्रिज से नीचे का नज़ारा। कैमरा क्वालिटी एकदम बेकार है मुझे पता है, पर वेरी सून मैं इसे अपडेट करने वाला हूँ दोस्तों। तब तक के लिए प्लीज़ बी देयर। और ये आपके सामने है रॉन्गली ब्रिज।
सो गाइज, आप लोगों ने देखा किस प्रकार से नीचे ब्रिज से मैंने आप लोगों को दिखाया नीचे छठ पूजा का कितने अच्छी तरीके से आंटी लोग ने पालन कर रखा है, और देवी का आशीर्वाद आप लोगों के जीवन में बना रहे दोस्तों। चलिए चलते हैं अभी मार्केट की तरफ, और अभी मार्केट में कुछ काम भी है मेरे को। गाइज, अभी अभी अपन मार्केट आ चुके हैं, और मेरे साथ बैठे हुए हैं रोशन भैया। और रोशन भैया, आज आप छठ देखने नहीं गए नीचे? अच्छा, आप गए थे क्या? मैं देखा नहीं आपको, लेकिन नीचे। अच्छा, आप देखे मेरे को? ओह, आई एम रियली सॉरी, मेरा ही गलती है। तो चलिए मिलते हैं शाम को दोस्तों। तो दोस्तों, अपन आ चुके हैं न्यू मार्केट पे। ये मैगी, अनुकूल को नेरू चिंचाओ तुम्हें अपे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार, एंड मैं सनी शर्मा। सुबह के 5:30 बज रहे हैं, और जैसे कि आप लोगों को कल शाम को मैंने छठ पूजा दिखाया था गाइस सनसेट का, सो अभी फिर से एक बार मैं आप लोगों को रिवर की तरफ लेके जा रहा हूँ, जहाँ पे सनराइज का पूजा होगा गाइस। सो प्लीज़ बी देयर, मैं थोड़ा बहुत कवर करके दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। तो घूमते फिरते मैं अभी अभी आ चुका हूँ रोंगली ब्रिज पे, और यहाँ से नीचे रिवर का व्यू आप देख सकते हैं, और इधर है आर्मी कैंप जहाँ पे हम बचपन में बहुत क्रिकेट खेला करते थे। रोंगली बाजार, तो दोस्तों बहुत समय रिवर की तरफ बिताने के बाद मैं अभी आ चुका हूँ घर की तरफ, और सुबह के 7:30 बज रहे हैं दोस्तों, और आज का कॉन्टेंट ऐसे ही एकदम लंबा हो चुका है जैसे आप लोगों को पता है। और मैं आज के इस ब्लॉग से आप लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ दोस्तों कि सबको भगवान ने कुछ ना कुछ खूबी दिया हुआ होता है, जैसे कोई ब्लॉग करता है, कोई डांस करता है, कोई सिंगिंग, कोई रैपिंग, कोई स्पोर्ट्स में आगे होता है। तो दोस्तों, हम लोग अपने सफ़र में बीच बीच में कभी कभी ये सोचने लगते हैं कि लोग क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमें ये नहीं सोचना है, और बस ज़िंदगी में अपने लक्ष्य को लेके आगे बढ़ना है दोस्तों, क्योंकि कल को अगर हमने ज़िंदगी में एक्शन नहीं लिया ना अपने ज़िंदगी में अपने लक्ष्य को लेके, तो कल को अगर अपन फ्रस्ट्रेट होके कहीं कोने में बैठे रहेंगे ना, तो अपने दोस्त आके हम लोग को ये नहीं पूछेंगे कि क्या हुआ, व्हाट्स गोइंग ऑन। तो अपने आप को ही कुछ करना पड़ेगा दोस्तों। और इफ आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये आपके लिए तो फ्री है, पर इससे मेरे को बहुत मेरे लाइफ में इम्पैक्ट होने वाला है दोस्तों। और इतना कह के मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करना चाहता हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। थैंक यू गाइज़।